गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास फोर्थ में सब्जेक्ट था अपना साइंस, जिसका लेसन नंबर था 7। इसका नाम था टीथ एंड माइक्रोबेस, ठीक है, दांत और सूक्ष्म जीव। तो अपनों ने लेसन रीड भी कर लिया था और इसकी एक्टिविटी भी फिलअप कर ली थी। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस, जो दांत होते हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो मैं आंसर इसके नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा वो सब आपको मालूम है, क्योंकि लेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से हिंदी में समझा रखा है। अगर आपने ध्यान से लेसन को पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, समझा होगा, तो क्वेश्चन आंसर जो है वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर टीथ यूजफुल टू अस। तो आंसर इसका, टीथ हेल्प अस टू चेव द फूड, दे आल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, ठीक है। उसके बाद देखिए, शॉर्टकट में बता देता हूँ कि दांत हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं, तथा क्या करते हैं, हमारे चेहरे को जो है बहुत अच्छा आकार देते हैं, तथा साफ बोलने में हमारी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं करना है, तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पर आते हैं, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड स्टेट देयर फंक्शन, ठीक है। अलग अलग प्रकार के तो जो दांतों के अलग प्रकार हैं, उनके नाम बताने हैं तथा उनके फंक्शन बताने हैं। तो फर्स्ट आता है इंसाइसर्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे इंसाइसर्स। तो इसमें हो जाएगा, दिस आर द फोर फ्रंट टीथ इन जा, ठीक है, यानी कि ऊपर के जबड़े में तथा नीचे के जबड़े में चार चार दांत होते हैं आगे की ओर। ये मैं अब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये मैंने सब टोटल समझा रखा है, बार बार समझाने से कोई मतलब नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो। सेकेंड आता है केनिन्स, तो केनिन्स आर पॉइंटेड टीथ, देयर आर फोर केनिन्स टू इन इच जा। थर्ड आती है प्रीमोलर्स, देयर आर एट प्रीमोलर्स, फोर इन इच जा। इन एन अडल्ट माउथ दे एक्ट लाइक नट क्रैकर्स, ये सी ए, याद रखना सी आर ए, नट क्रैकर्स। फोर्थ आता है मोलर्स, मोलर्स आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स, देयर आर सिक्स मोलर्स इन इच जा इन एन अडल्ट, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये फोर पॉइंट डाल के लिखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं करना है, फिफ्थ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर पर, व्हाट आर माइक्रोबेस, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोबेस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, माइक्रोबेस आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक आइज, ठीक है। ये लाइन यानी कि जितने भी अपने क्वेश्चन आंसर है इस लेसन के, टोटली लेसन में समझा रखें, ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। काइंड्स ऑफ, ये भी काइंड्स ऑफ माइक्रोबेस भी उसी में लिखना है, ठीक है, उसी क्वेश्चन में लिखना है। द फोर मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोबेस आर फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ और फोर्थ फंगी। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं, राइट थ्री वेज इन विच माइक्रोबेस आर यूजफुल टू अस, ठीक है। तो आंसर इसका, बैक्टीरिया फर्स्ट नंबर डाल के लिखना है, बैक्टीरिया कॉल्ड लेक्टो बेसिलस चेंज मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। फिर इसका, इसी का सेकंड पॉइंट है, सम बैक्टीरिया हेल्प एनिमल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड है, सम बैक्टीरिया इन द सोइल हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आए तो इसके जो लेसन का, इस क्वेश्चन आंसर के जो लेसन का, लेसन नंबर 7 का जो वीडियो है, लेसन जो जिसमें रीड कर रखा है, पढ़ रखा है, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ लेसन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। कल से, नेक्स्ट से हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार और ये क्वेश्चन आंसर देख लो, ये फर्स्ट सेकेंड नहीं करना है अपने को, ये
थर्ड, उसके बाद फोर्थ नहीं करना है, और ये फिफ्थ में ये इतना और है पीछे, और ये सिक्स। ठीक है, फिर कॉपी में नोट कर लेना और फिर कॉपी कंप्लीट रखना।